तो जैसे हम लोग सुना है वहाँ अंदर में बैठ के इन लोग का प्लीडिंग भी सुना है और जितना काउंटर किया सुना है, हम कुछ नोट डाउन किया है। आज ऐसा गया है कि पिछले बार जब हियरिंग था ताकि जेरंग का, ताकि जेरंग ने ये अपना स्पेसिमेन यानी कि सिग्नेचर सिग्नेचर को देने के लिए मना किया था, तो इस बार कोर्ट ने ये बोला कि अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई कर सके कहाँ कहाँ ये घपला हुआ है, कैसा करके इन लोग ने गंडगोल किया है, मीन्स गड़बड़ किया है, उसको ये करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए उसको आज कोर्ट ने सिग्नेचर स्पेसिमेन और उसका हैंड राइटिंग को ये करने के लिए देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, वो ताके जेरंग का है। और एक था इकेन बागरा, इकेन बागरा जो है ये केंद्र बागरा और केंजुम बागरा का पिताजी है, वो जो JRWD का ये एक्यूज है उसका पिताजी है। पिछले बार उसको ये इकेन बागरा का जो वाइफ है वो हार्ट अटैक हुआ है बोल के, सॉरी ये कुछ बीमार हुआ है बोल के, ये था उसको अपना पति का जरूरी है बोल के इकेन बागरा ने बेल एप्लीकेशन डाला था, तो इसको इंटरिम बेल दिया था। अभी ऐसा है कि इकेन बागरा कुछ हार्ट अटैक हो गया, बीवी को देखभाल करते करते हार्ट अटैक हो गया, ऐसा इन लोगों ने प्लीडिंग किया है, तो इसलिए अनदर 20 डेज इनको इंटरिम बेल दिया है, यानी 4 अप्रैल तक उसको इंटरिम बेल दिया है। तो और एक आज हियरिंग हुआ है जिसका नाम है लोटू गादी। लोटू गादी जो है एक लोतर गादी का भैया है। लोतर गादी फिर ये है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर करके एक पोस्ट होता है, 2020 में वो रैंक 7 में है लोतर गादी जो, उसका भैया जो है जिसने लोतर गादी अपना भाई के लिए पैसा दिया था लोटू गादी, उसका भी आज ये था बेल हियरिंग था, लेकिन उसको कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनका जो ग्राउंड ये था कि उसका बीवी कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ और बीमार भी है शायद, उसको देखभाल करना है ऐसा था। तो कोर्ट ने ये कहता कि अगर ऐसा है तो कुछ बीमार इतना उसको कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं हुआ, बीमार छोटा है और कुछ जैसे प्रेगनेंसी है उसको उसका बहन भाई कोई भी देखभाल कर सकता है, ऐसा करके लोटू गादी का जो बेल एप्लीकेशन था रिजेक्ट कर दिया। ये है अभी का अपडेट जो है। ओके एंड देन दो चार्जशीट फाइल हुआ है बोला है, एक ताके जरंग का ऊपर में एंड ओबो जरंग का ऊपर, ओबो जरंग का ऊपर में, उसके व्हाट वेर द एविडेंसेस अगेंस्ट इन दैट चार्जशीट। यस यस, आज ऐसा हुआ है और एक नया डेवलपमेंट है ये केस में कि ताके जेरंग को उस दिन से ये जो 8/2022 का सिविल का चार्ज सीटेड था ताके जेरंग, तो उसमें उसको बेल मिल गया था। हाँ, लेकिन ये फिर केस 2 है ये CBI का जो 2014 से लेके 2022 तक का ये केस चार्ज सीट नहीं था। तो आज ऐसा है कि डेवलपमेंट ये है कि ओवर जेरंग जो TGT है, हाँ 2019 का हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट का उसका ये है एक्यूज है, और तके जेरंग दोनों को आज चार्ज सीटेड हो गया है। तो ऐसा है कि ओवर जेरंग और तके जेरंग का ये इसमें भी कहा नहीं है, इसलिए चार्ज सीट किया गया कि दोनों का एविडेंस को अभी मिल गया ये CBI को। ओवर जेरंग जो है TGT है जो 2019 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसने क्या करता है तके जेरंग से क्वेश्चन पेपर खरीद लेता है, यानी तके जेरंग इनको देता है, तो उसका बाद एग्जाम अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद ओबर जेरंग को ये लगता है कि मैंने अच्छा से नहीं लिखा, तो फिर ताके जेरंग का पास पहुंचता है, मैंने अच्छा से नहीं लिखा एग्जाम तो आप कुछ देख दीजिए। तो सच में ये ताके जेरंग जब जाके देखता है जो एवेल्यूशन से पहले है ये उसको खोल के देखता है जहाँ में उसका ये आंसर शीट था, देखा है तो उसे बहुत गंदा लिखा है, तो ताके जेरंग फिर से इनको एक ये आंसर शीट लिखने का मौका देता है। उसको लेके ओबर जेरंग क्या करता है अपना रेंट में लिखता है, लिख के पास हो जाता है, ये इविडेंस CBI पाया गया है। तो ऐसा करके अभी आज तके जेरंग और ओबरू जेरंग का चर्चित हो गया है, ये है नया डेवलपमेंट। CBI हम लोग ऑफ कैमरा हम लोगों ने CBI ऑफिशियल से बात किया था, तो वो लोग ने बोला कि जो बेल जो मिल रहा है जो एक्यूज लोग को बेल पे बेल हो रहा है, तो दे सेड कि बेल हियरिंग विल जितना भी बेल होगा इट विल नॉट हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस, क्योंकि वो लोग का जो मेन टारगेट है वो एक्यूज को कन्विक्शन में लाना पड़ेगा। तो उसका आपका कमेंट क्या होगा एज ए जेसमैन? हाँ, जैसे मैंने भी CBI ऑफिसर से बात किया है, आज जैसे कोर्ट में मिला है, कभी कभी ऑफिस में जाने से नहीं मिलता है, लकीली हम उसको इंटरेक्ट कर पाया है। इंटरेक्ट करके हमें भी ये बताया है कि देखो वो लोग भी
100% दे रहा है। और जैसे आज मैंने एक देखा पीपी, एक नया पीपी, शायद ये टाइम भी है ना परमानेंट पता नहीं, नया पीपी भी आया था, उसने बहुत अच्छा से काउंटर भी किया है, तो बहुत मुझे तो सेटिस्फाई हुआ है। तो सीबीआई का ये कहना है कि देखो इन लोग का करने का दंग अलग है और सिविल पुलिस का करने का दंग अलग है, एसआईसी का करने का दंग अलग है। इन लोग ये करता है कि इन लोग का ये मकसद रहता है कि कन्विक्ट होना है, उसके लिए लोग चार्जशीट को बहुत ये करता है, मीन्स उसमें जोर डालता है, डायरेक्ट अरेस्ट उसको जोर नहीं डालता है, ऐसा मुझे भी बताया। तो उसने ये सीबीआई ऑफिसर ने ये बोला है कि वो लोग 100% कोशिश कर रहा है और जितना भी है एविडेंस लाने में वो लोग जुड़ा हुआ है। और ये कहता है कि ये केस तो वो लोग भी ऑनेस्टली बताता है, हाई प्रोफाइल का ही केस खेल है। देखिए लास्ट टाइम का ही 2022 का ही एग्जाम का जितना भी एविडेंस है मिटा चुका है, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन करने में तकलीफ हो रहा है बोला है। तो सीबीआई का तरफ से हमें भी ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर किसी का पास थोड़ा सा भी एविडेंस है, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, तो उसका दरवाज़ा हमेशा ओपन है बोला है, और हम लोग को आके मदद करने के लिए बोला है। तो ऐसा है, लास्ट टाइम हम लोग ने जब सीबीआई ऑफिस में गया था पूछताछ करने के लिए, अपडेट लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि कोई नहीं था, एक आयो था कुछ इलेक्ट्रिकल का देखने वाला, उसने कुछ हमें अपडेट नहीं दे पाया और हायर ऑफिशियल्स लोग नहीं था, तो पर भी हम लोग ने बात करने की कोशिश किया था। अभी ऐसा है तो वहाँ जो बात करना था हम यही बात कर लिया, ऐसा समझ लीजिए। हम लोग ने ये भी पूछा है कि केस का क्या अपडेट है, क्या कैसा चल रहा है बोला है, तो वो लोग जैसे मैंने पहले बताया 100% कोशिश कर रहा है, और जो हम लोग ने इनपुट दिया था एसआईसी को उन लोग का पास सुरक्षित पहुँचा है बोला है, और उसका ऊपर ज़ोरदार काम कर रहा है। लेकिन ये एक लेकुना रह गया कि एविडेंस को ज़्यादातर को ये हाई प्रोफाइल केस, ये हाई प्रोफाइल आदमी लोग मिटा के रखा है, ये बोला है। और हम लोग को रिक्वेस्ट किया कि एविडेंस और अच्छा से, ये मीन्स पूरा अरुणाचल को रिक्वेस्ट किया है कि साथ देने के लिए, ये तो बोला है कि ऐसा है सीबीआई और ये एसआईसी का करने का दंग अलग अलग है कि नहीं। तो जब एसआईसी ये लोग अरेस्ट करके दिया हम लोग को बहुत खुश था। तो लेकिन इन लोग ने क्या कि चार्जशीट फाइल करने में ये बहुत टाइम लगा दिया एसआईसी ने भी, तो पेन किलर को हम लोग बहुत अच्छा लगा था। अभी जैसे सीबीआई लोग ने बताया कि जब तक कन्विक्ट नहीं होगा आपका जितना अरेस्ट करो फ़ायदा नहीं है, वो लोग इसलिए प्रॉमिस किया कि कन्विक्ट करके दिखाएगा, जब कन्विक्ट करवाएगा तो ये केस सही मायने में हम लोग को ये जस्टिस होगा, ऐसा बताया। तो समहाउ वी आर सेटिस्फाइड अभी फ़िलहाल के लिए। तो केस इन्वेस्टिगेशन अगर सही ढंग से चलेगा, एविडेंस को सही ढंग से कलेक्ट करेगा और कन्विक्ट करवाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग तो बहुत तारीफ करने वाला है सीबीआई को। तो ऐसा करके लास्ट में मैं और एक अरुणाचल के जितना भी आदमी है ये रिक्वेस्ट कमिटी का तरफ से कि देखो डिफरेंसेस ओपिनियन है, आइडियाज़ होता है, लेकिन आपस में हम लोग ट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग है आप भाईचारा बना रखना चाहिए ये अरुणाचल में, ये या आपस में लड़के क्या करेगा। जो आपका राय है, आपका विचार है, आपका ओपिनियन है, जिसको सुनाना है सुनाना है। जैसे आपका कुछ अगर ग्रीवेंसेस है, गवर्नमेंट को प्लेस करना है तो सीधा प्लेस कर दीजिए जो भी पार्टी हो, उसके बाद चुपचाप बैठिए गवर्नमेंट को पूछताछ करते रहिए, आपस में लड़के बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। जैसे आज हम लोग यहाँ आके अपडेट लिया, ऐसे ही अपना केस को अपडेट लेते रहिए, और स्टेट का जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना गंदा है।